आईफोन के तीन टॉप सीक्रेट सेटिंग की बात करने वाले थे दोस्तों। चलो सेटिंग के अंदर जाते हैं, आपको पहले दिखा देता हूँ एक। जैसे ही हम नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको मिलता है आईफोन के अंदर, तो आपको कौन कौन से तरीके से आपको शो हो, तो ऊपर से, साइड से, होम स्क्रीन पर, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यदि आपको होम स्क्रीन पर चाहिए नोटिफिकेशन वो भी मिल जाएगा, आपको ऊपर से चाहिए तो भी मिल जाएगा, और कहीं पर और भी चाहिए मिल जाएगा। तो दूसरा तरीका, दूसरी टॉप सीक्रेट है, यहाँ पर आप अपने ऐप में टाइम लगा सकते हो। यदि आपने 2 मिनट का या मिनट का लगा दिया, 1 मिनट का लगा दिया, तो ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद आपको वहाँ पर पासवर्ड मांगना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करने पर ही आपको कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जा पाओगे। तो दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हो, सेट लिमिट टाइम ऐड करके कर सकते हो। तो यदि आप जाओगे उस ऐप के अंदर, तो 1 मिनट जब आपको पासवर्ड फिल करने पड़ेंगे, फिल करते ही आप 1 मिनट हुआ, यदि आपने 1 मिनट का डाला, तो 1 मिनट के अंदर आपको पासवर्ड देने पड़ेगी, वरना आप लोग उसके अंदर ऐप के अंदर नहीं जा पाओगे। तो दूसरा एक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, तो पासवर्ड मांगा मेरा, फिल कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड फिल करना पड़ता। और तीसरा टॉप सीक्रेट है कि अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो होम स्क्रीन पर ही, कोई टॉर्च, कैलकुलेटर, कैमरा, लो बैटरी मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर, टेक्स्ट साइज, साउंड वगैरह, आपको जो भी चाहिए वो सेटिंग में जाए बिना ही आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपने होम स्क्रीन पर उसको ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आईफोन के तीन टॉप सीक्रेट सेटिंग की बात करने वाले थे दोस्तों। चलो सेटिंग के अंदर जाते हैं, आपको पहले दिखा देता हूँ एक। जैसे ही हम नोटिफिकेशन